महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों के एक्शन से खलबली मची हुई है। एक के बाद एक सत्ताधारी पार्टी के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ऐसे में अब महाआघाड़ी के भीष्म पितामह ने मोर्चा संभाला है। जी हां, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद महाआघाड़ी नेताओं पर एक्शन को बदले की कार्रवाई कहा। तस्वीरें पुरानी हैं लेकिन खबर नई है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। संसद भवन में हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने करीब 25 मिनट तक चर्चा की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्शन में हैं और निशाने पर महाआघाड़ी सरकार के नेता हैं। और आज पीएम से मुलाकात में शरद पवार ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी की कार्यवाही का मुद्दा उठाया। संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी, क्या प्रोवोकेशन क्या था? जस्ट बिकॉज ही मेकिंग सम स्टेटमेंट। अब कल की इस तस्वीर पर नजर डालिए जब शरद पवार ने महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं को अपने घर डिनर पर बुलाया। पवार की एक ओर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठे थे, दूसरी ओर शिवसेना सांसद संजय राउत। और आज ही पवार ने राउत पर ईडी की कार्रवाई का मुद्दा पीएम के सामने भी उठा दिया और साथ ही उन्होंने उद्धव सरकार के काउंटडाउन पर ब्रेक लगाया और खुद यूपीए अध्यक्ष पद से भी किनारा किया। ये कहना है कि ये जिम्मेदारी लेने के लिए मैं खुद तैयार नहीं हूँ, ये मैंने कई बार कहा है। दिल्ली से प्रशांत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।